तो साड़ी आ चुका है। एंड ये जगह एक्चुअली थोड़ा सा डरावना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड आप सबको दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जो लोग मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं, आप सबको विजय और अनेक अनेक शुभेच्छा निबे। तो आज शनिवार है एंड सुबह सुबह मैं पार्क में आई हूँ। अभी आप सबको तो पता ही है, बट वी आर वेरी लकी सी, हम लोगों का ये विलेज पार्क आर अलाउड फॉर डॉग्स, नहीं तो कहाँ पे जाते। तो वी कैन गो इन ट्रेल, पर ट्रेल ना विंटर्स में क्या बोलूँ, अगर स्नो गिरता है तो वो लोग साफ़ भी नहीं करते। ये पार्क ना वो लोग हर वक्त साफ़ करते हैं। एंड अभी आप लोग सोचेंगे रैक्स का है, तो रैक्स को हो गया सब, तो मैं गाड़ी में बिठा के आई हूँ। लेकू 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 एंड सी, अभी थोड़े थोड़े यू कैन सी फॉल कलर्स फ्रॉम माय पैटियो। पर मैं जैसे बोल रही हूँ ना, बहुत सारे ट्रीज में फॉल कलर होते ही नहीं है। एंड राय का भी वायलिन का क्लास है, तो आने के बाद ब्रेकफास्ट वाज जो सबसे इजी है, दैट इज मैगी। सो नाउ द टाइम इज 12 o'clock। सैटरडे हम लोग थोड़े बिजी रहते हैं क्योंकि राय का वायलिन क्लास यू नो 11 o'clock को ही खत्म हुआ। एंड फिर हम लोग थोड़ा मिल के बात कर रहे थे। एंड आई थिंक सो मैंने वीडियो लास्ट या मैंने थर्सडे को मैंने व्लॉग किया था, राइट? अभी आप लोग बोलेंगे पायल हम लोगों को क्या पता तुमने कब किया था। थर्सडे या थर्सडे नवमी था। माँ को ना, दुर्गा माँ को ना आप साड़ी दे सकते हैं, नहीं तो मैं जैसे मिठाई खरीद के लेके जाती हूँ। तो इस बार ना मैं मिठाई खरीद के लेके गई, हम लोग जहाँ न्यू जर्सी पे गए थे। तो व्हेन आई वाज एंटरिंग ना, दैट टाइम वो लोग ने बोला ना कि नहीं नहीं इस बार यू कैन लाइक आप कुछ ऐसा मिठाई एंड ऑल कुछ नहीं दे सकते। तो मेरा ना थोड़ा दिल उदास हो गया। ऐसा सिर्फ बोलते हैं ना, आपने एक इंटेंशन से खरीदा है, तो देवर सिंह क्या तुम तुम्हारे घर के भगवान को दे दो। पर मैंने तो यू नो मैंने खरीदा ही था कि मुझे दुर्गा माँ को देना है। तो फिर यू नो राय स्कूल से आई, तो फिर आप लोग देख लीजिए हम लोगों का फिर हम लोगों ने क्या क्या किया। तो आज नवमी है यानी दुर्गा पूजा का थर्ड डे यानी थर्सडे। कल जब मैंने वीडियो एंड किया तब मैं बोल रही थी ना, एंड हम लोगों के मैं और शौमिक के मन में था ना कि राय ने एक बार भी लाइक माँ का दर्शन ही नहीं किया। एंड जब से राय पैदा हुई ना, ऐसे एक भी साल नहीं हुआ है ना कि मैं और शौमिक हम लोग लाइक राय ने माँ का दर्शन नहीं किया है। तो परसों ना मुझे शौमिक कल ही शौमिक मुझे बोल रहे थे कि यू नो चलो ऐसा हम लोग निकल जाएंगे। तो हम लोग 7 बजे निकले, पर यहाँ आके प्रॉब्लम हुआ ना, बिल्कुल भी पार्किंग नहीं है। एंड ये जगह एक्चुअली थोड़ा सा डरावना है। मैं कार पे अकेली हूँ, मैं क्या बताऊँ, देखो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पर कोई भी पार्किंग नहीं है। तो फिर हम लोगों ने किया क्या, मैं और राय ना अंदर चले गए एंड हम लोगों ने माँ का दर्शन किया। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स है, आई थिंक सो सभी दुर्गा पूजा में आप लोग ने यही टेम्पल देखा होगा। दिस इज बांग्लादेशी हिंदू मंदिर एंड ये क्वींस पे है। ये मंदिर पे ना जो सर्व कर रहे हैं उन सबको हम लोग पहचानते हैं, इतने सालों से आ रहे हैं ना, तो क्या करें। तो पहले मैं और राय गए, फिर मैंने बोला शौमिक को कि यू नो तुम चले जाओ अभी नो पार्किंग में। वो लोग जैसे बोल रहे थे नो पार्किंग में कोई बात नहीं, यू नो थोड़ा टाइम के लिए इट्स ओके। एंड मैं अभी कार में यहाँ पे बैठी हुई हूँ ताकि वो लोग दरवाजा बंद कर देते भैया, ताकि शौमिक भी थोड़ा दर्शन करके आए ना। बिकॉज दिस टेम्पल ना लाइक कोई कोई एक टेम्पल होता है ना, ये मंदिर ना हम लोग तब से आ रहे थे जब से हम लोग इस कंट्री में आए हैं। एंड हम लोग को लगता है कि इस मंदिर के दुर्गा माँ ने हम लोग के लाइफ का सब स्ट्रगल देखा है। तो फिर शौमिक एंड राय ने आके बोला चलो चलते हैं, यू नो क्योंकि शौमिक को डर लग रहा था, वो बहुत ही अंधेरा वाला जगह था ना। तो मैंने बोला चलो यार 10 मिनट में कुछ नहीं होगा, खा के आ जाएंगे, नहीं तो खाना लेके आ जाएंगे। तो उस दिन
इतना मजा आया ना, बिकॉज हम लोग ना बहुत ही जैसे सिक्योर्ड रहने वाले इंसान है, एंड शौमिक इज अ वेरी सिंसियर पर्सन. लाइक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है ना कि हम लोगों ने फायर हाइड्रेंट के सामने में रखा है. लाइक जो रूल्स हम लोग हर वक्त वही देख के चलते हैं. तो पहली बार हुआ हम लोगों ने नो पार्किंग पे रखा. फिर मैं जैसे बोल रही थी ना कि मिठाई फिर मिठाई मैंने वहां पे दे दिया. अगर राय नहीं देखती तो बहुत ही एक अफसोस रहता, तो वो भी हो गया. एंड हाँ, मैंने जो साड़ी ऑर्डर किया था ना, मेनी ऑफ यू वेर कंफ्यूज बिकॉज मैंने अच्छे तरीके से नहीं बताया था. तो वो साड़ी ना मैंने यहाँ से ही खरीदा है, इंडिया से नहीं आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम टेक्सस. तो वो साड़ी ना टेक्सस से आ रहा है. जस्ट इमेजिन, टेक्सस से यहाँ पे आते आते इट टुक मोर देन 7 क्या, बहुत सारा दिन हो गया. तो जो भी हो, चलिए अभी खाना बनाते हैं. तो मैं एक गोभी की सब्जी बनाऊंगी. मैं भी गोभी आलू मटर बना लूंगी, क्योंकि आलू मैंने बॉईल किया था, वो ऐसा ही पड़ा हुआ है. एंड बैंगन है तो मैं बैंगन फ्राई बना लूंगी. एंड रोटी बस हो गया. तो गोभी काटते काटते मेन्यू मैंने चेंज कर लिया. मैं और आलू मटर गोभी नहीं बनाऊंगी, मैं फुल कॉपी रोस्ट बनाऊंगी, यानी कॉलीफ्लावर रोस्ट. ये एक इट्स ए बंगाली रेसिपी, पर मैं थोड़ा अपने वे से बनाऊंगी. लाइक अगर आप चाहे तो इसको प्योर वेज में कर सकते हैं. अभी बहुत जन इससे बहुत कुछ बोलेंगे प्योर, लाइक मैं इसमें अनियंस एंड ऑल ऐड करूंगी, बट प्योर वेज में जैसा होता है ना, हम लोग गार्लिक एंड अनियंस ऐड नहीं करते. तो साड़ी आ चुका है, एंड मैं खाना बना लूं फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अदरक लहसुन का हाथ में स्मेल कर रहा है. एंड राय को लग गया भूख. अभी ना हम लोग सैटरडे संडे बहुत ही कम निकलते हैं, स्पेशली सैटरडे, क्योंकि राय का ना बहुत सारा होमवर्क रहता है, बहुत सारे वो लोग के टेस्ट रहते हैं. तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना. तो चलिए मसाला बनाते हैं. फर्स्ट मैंने पैन पे ना बहुत कम ऑयल लिया है, उसके बाद मैं इसमें अनियंस ऐड कर रही हूँ, 1 अनियन है. फिर मैं अराउंड 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा, मैंने जिंजर एंड गार्लिक चॉप करके दे दिया है. हम लोग थोड़ा फ्राई करेंगे. ग्रीन चिली मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये व्हाइट कलर का ग्रेवी होगा. लिटिल बिट ऑफ कैशूनट, अराउंड 7 मैंने कैशूनट लिया है. एंड 1 टेबल स्पून ऑफ पॉपी सीड्स. अगर पॉपी सीड्स नहीं है एंड यू डोंट वॉन्ट टू ऐड दैट, दैट्स फाइन. थोड़ा आपको फ्राई कर लेना है. तो जब रेडी हो जाए ना, ठंडा करके फिर इसका पेस्ट बना लेंगे. एंड यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऐड किया है. तो अभी मैं कॉलीफ्लावर मैंने ऐड कर दिया है, यानी बंद गोभी, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला पाउडर. एंड अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे. तो यहाँ पे मैं बैंगन फ्राई करूंगी. एंड ऐसा लंबा करके अगर आप कट करेंगे ना, ऐसा तो खाने में सेम ही होगा, पर ये देखने में सुंदर लगता है. तो मैं थोड़ा टाइम ना इसको पानी में भिगो के रख दूंगी. तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर यानी फुल गोभी फ्राई हो चुका है. एंड अभी मसाला भी ठंडा हो चुका है. तो पेस्ट बनाते वक्त ना मैंने अराउंड 1/4 कप ऑफ दही आपको ऐड करना है. अगर ज्यादा खट्टा दही नहीं है तो और थोड़ा ऐड कर दीजिएगा. तो एक पैन में फर्स्ट मैंने ऑयल लिया है, फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है 2 बड़ी इलायची, लिटिल बिट ऑफ सिनेमन स्टिक, 2 लौंग, 1/2 टीस्पून ऑफ शाह जीरा. एंड फिर जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था वो हम लोग पेस्ट ऐड करेंगे. थोड़ा चख लीजिएगा सॉल्ट है कि नहीं. तो उसके बाद मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है. एंड अभी ये धीरे धीरे होता रहेगा. जब मसाला अच्छी तरीके से पक जाए एंड ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए, तब मैंने उसमें गोभी ऐड कर दिया है. गोभी भी फ्राई किया हुआ है, ऑलमोस्ट 70% कुक है. लिटिल बिट ऑफ पानी दे देंगे. एंड एट द एंड ना हम लोग इसमें थोड़ा नटमेग पाउडर देंगे, बट बी केयरफुल, ज्यादा नटमेग मत दीजिएगा. एंड मैं थोड़ा ग्रीन चिली दे रही हूँ. तो रेडी हो गया है फूल गोभी रोस्ट इन माई स्टाइल. एंड हाँ, थोड़ा घी, ऐसा ये जो डिश है ना फुल घी में ही बनता है. तो बैंगन का बैटर बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ बेसन लिया है. फिर मैं इसमें सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, फिर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ. उसके बाद आपको अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून ऑफ पॉपी सीड्स ऐड करना है. फिर थोड़ा पानी देके ना आपको एक पेस्ट, थोड़ा स्मूथ थिक पेस्ट होगा, ज्यादा इतना पतला नहीं होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा.
तो अभी सिर्फ मैं फ्राई बनाऊंगी एंड हाँ टाइम दिखा देती हूँ कि कितना लेट हो गई मैं। सी 2 बजने वाला है, टायर्ड लग रहा है, होता है ना कभी कभी। फ्राइडे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इतनी में लाइक पूजा का टाइम ना, लॉट ऑफ इमोशन कम्स यू नो। आपको बहुत ऐसे इंडिया का बारे में याद होता है कि हाँ वो करते थे वो करते थे, कहीं ना कहीं बाहर जो लोग रहते हैं एंड दोज ऑफ जो लोग बहुत कनेक्टेड है यू नो अपने फेस्टिवल से। जब हम लोग छोटे थे सो मेनी थिंग्स कम्स राइट, अभी इतना उम्र भी तो हो गया तो कितने सारी यादें हैं। तो मैं लाइक फ्राइडे वॉज जस्ट चिलिंग आउट एंड थिंकिंग ऑफ ऑल दैट थिंग्स। पर सिर्फ सोचने से होगा क्या, खाना भी तो बनाना पड़ेगा। ये ना मैं थोड़ा मस्टर्ड ऑयल से बनाऊंगी, लाइक इसको डीप फ्राई नहीं होगा, हल्का ऑयल से हम लोग इसको लाइक थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। ओ इसमें ना थोड़ा चावल का आटा दे दीजिएगा, मैं वो देना भूल गई, मैं अभी भी दे सकती हूँ, अभी मैं थोड़ा चावल का आटा ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर भी ऐड कर दिया है एंड इसको ना लाइक शैलो फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही कम ऑयल में आपको फ्राई करना है, पर ये बहुत क्रिस्पी होता है एंड ये बहुत टेस्टी लगता है। यू नो आप देख सकते हैं कितना कम ऑयल में मैं बना रही हूँ। अगर आप चाहें ना दिस रेसिपी आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। फ्राई मामा भालो अच्छा है या ऐसा ना खाने में एक्चुअली बहुत टेस्टी लगता है। दिस इज नॉट डीप फ्राइड, से कितना कम ऑयल में मैंने बनाया एंड ना थोड़े पेपर्स थे, लास्ट के पेपर्स थे, पर दिस पेपर्स लाइक मुझे लगता है एटलीस्ट 2 kg तो पेपर्स निकला ही होगा। अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पर अभी ना अक्टूबर आता है ना तो पानी देने का वो सब मेरा जोश चला जाता है एंड मैं बन जाती हूँ प्लांट किलर। तो ओ नो प्लांट किलर इज बैक। सब लोग बोल रहे हैं कि खाना अच्छा हुआ है। अच्छा नहीं है। एक्सेलेंट हुआ है, सॉरी सॉरी अच्छा नहीं एक्सेलेंट हुआ है। एंड हाँ आई एम श्योर सभी मम्मी लोग ऐसा करते, मैं राय के प्लेट में ही खा रही हूँ क्योंकि राय ने हाफ रोटी नहीं खाया तो वो कौन खाएगी, मैं खाऊंगी। कल का थोड़ा राइस भी था रात का, वो भी मैंने ले लिया क्योंकि क्यों फेंकना। तो सारा काम खत्म एंड हाँ ये कैंडल ना एक्चुअली दिस कैंडल इज गुड, मुझे लगता है अगर बेडरूम में रखे तो। दिस इज लेक साइड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छा इसका क्या बोलूं एरोमा है, ऐसा स्मेल है मैं बोलने वाली थी। तो मुझे लगा नहाने से पहले ना मैं ये सूटकेस वाला काम खत्म कर लेती हूँ। मैंने बहुत ही कम कपड़ा लिया था, हार्डली ना आई ओनली टुक 2 क्लोथ्स एंड वो भी मैं एक ड्रेस पहन के गई थी ना, तो मुझे रास्ते में टेंशन हो गया कि भगवान मैंने अपना यू नो फुल पैंट अंदर पे लाइक सूटकेस पे लिया है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं लिया तो मैं क्या पहनूंगी, सिर्फ मुझे वो ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। पर अभी मैं देख रही हूँ शॉमिकले इतना सारा सिर्फ टी शर्ट लिया, पता नहीं शामी क्या सोच रहे थे। यू राय आल्सो। चलो अभी सब लोग मेरे लिए प्रे करना कि नेक्स्ट जब मैं सूटकेस पैक करू ना इट शुड बी फॉर विच प्लेस मम यू थिंक इंडिया। तो मैं तैयार भी हो गई हूँ रेक्स को सुसु पॉटी, आप लोग बोलेंगे फाइल सुसु पॉटी के लिए लिपस्टिक एंड ऑल, नहीं नहीं मैं ऐसे ही मुझे थोड़ा सजने का मन किया, मतलब लिपस्टिक लगाने का मन किया। विंटर्स आ जाते हैं ना लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं एंड फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा इंडियन शॉप भी जाऊँ, क्योंकि वीकडेज में ना नहीं होता है क्योंकि इंडियन शॉप हम लोग का बहुत लेट ओपन होता है, लाइक सुबह सुबह ओपन होता है देन इट इज ईजी। तो शॉमिक एंड मैं हम दोनों ही जाएंगे, पहले रेक्स को लेके जाएंगे यू नो वो सब कराना, तो शॉमी कभी राय को पढ़ा रहे हैं। तो शॉमी जब राय को पढ़ाते हैं ना मैं ऐसा जाके डिस्टर्ब नहीं करती हूँ।
best friend. Didn't care about the. तो मैं जैसे बोल रही थी कि शौमिक राय को पढ़ा रहे, तो मैंने शौमिक को बोला छोड़ो यार मैं चली जाती हूँ. एंड ये ना अभी कहाँ पे गया. हाँ एंड ये ना अभी यू नो थोड़ा तो इसको समझ में आ गया है ना, लाइक ये लोग ना थोड़े लेजी होते, दे डोंट वांट टू वर्क. तो ये क्या करते है? आने के बाद ही ना उसका जो बिजनेस है वो कर देता है. लाइक वो सिर्फ वहां से इतना तक ही चल के आता है, वहां पे उसका दोनों बिजनेस हो जाता है एंड फिर ये चला जाएगा घर. लाइक ये बिल्कुल भी वॉक नहीं करना चाहता है. I'll be in fools drifting the deep space. So brave and so stupid, just like the movies. And ha, thank you so much. So many of you, आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, फिर मेल्स लिखे कि पायल वो वीडियो में जो कमेंट सेक्शन था तुम दिल पे मत लेना, दैट इज सो अनरियलिस्टिक. तो मुझे यू नो अभी पता है मुझे बिकॉज जैसे कि किसी ने मुझे कमेंट लिखा था मैं हम लोग जब वेकेशन पे जाते कोई एक बंदा हर वक्त घर पे रहता है, हम लोग सब लोग नहीं जाते, तो हमारा कैसा होगा यार, वी आर फैमिली ऑफ थ्री ओनली. अगर तो फिर कैसा होगा, मैं और राय जाएंगे, शौमिक रहेंगे, नहीं तो शौमिक एंड राय जाएंगे, मैं रहूँगा, ऐसा नहीं होता यू नो. फिर किसी ने मुझे लिखा मैं तो हर वक्त देखता हूँ कि 24/7 मेरे घर में कोई है. देन डेफिनेटली आप अगर यूएस में रहते यू मस्ट बी ए मिलेनियर, आप बहुत रिच होंगे, जो हम लोग नहीं है, वी आर वेरी मिडिल क्लास पीपल. तो लेट्स बी यू नो जो लोग लिखते हैं वो मैं और क्या बताऊँ, क्योंकि आप जो प्रैक्टिकल नहीं है उसके बारे में बोल के और क्या होगा, कोई फायदा ही नहीं है. तो हम लोग लौट के आ गए एंड द गुड थिंग इज यू नो यहाँ पे हर वक्त नहीं मिलता है मुझे ये, तो ये पान पत्ता मुझे मिल गया एंड फ्रेश है, तो मैंने दो ले लिया क्योंकि कोई भरोसा नहीं है. एंड फिर पान, एंड वन डे आई विल मेक समथिंग विद पान बिकॉज आप लोग मुझे बोलते ही रहते हैं. एंड थोड़ा पूजा का सामग्री एंड थोड़ा मंचिंग के लिए. एंड हाँ आई गॉट दिस फ्रायर बिकॉज मामा को खाना, तो मैं खाई बहुत दिनों के बाद मैंने ये खरीदा फ्रायर. मुझे दो डिश मामा, डोंट गिव हिम, इट्स नॉट गुड ना. तो चलिए आप सबको सारी दिखाते हैं. तो ये क्या होता है, सपोज इफ आई वांट टू डू ए बिजनेस, ओके, एंड मुझे लगा बहुत जन करते हैं, इंडिया में भी लोग करते हैं, राइट, दे गेट साड़ी फ्रॉम इंडिया एंड फिर वो लोग अपना वेबसाइट बना के सेल करते हैं. तो यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि एक ही साड़ी आपको बहुत सारे पीसेस में मिलेंगे. जैसे कि मैंने एक जो साड़ी लिया है ना, अगर अभी आप ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा. लाइक वो लोग एक एक दो दो पीसेस ही लाते हैं बिकॉज द साड़ीज आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव. तो चलिए अभी मैं साड़ी दिखाती हूँ एंड आप लोग मुझे बताना प्राइस सही है या ज्यादा है या यू नो इट्स फाइन. तो चलिए साड़ी दिखाते हैं. तो जैसे मैं बोल रही थी ना कि मुझे ऐसा साड़ी चाहिए था व्हाइट एंड जिसमें रेड बॉर्डर हो, तो जैसा दिखाया था वैसा ही है. वेट मैं ओपन करके दिखाती हूँ. एंड या वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी सी इस पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, पीको ही बोलते हैं राइट इसको, इसमें ऑलरेडी पीको किया हुआ है. तो दिस इज इंक्लूडेड ओनली इन द प्राइस. एंड हाँ साड़ी में ना फॉल्स भी लगाया हुआ है, सी साड़ी में अगर आप देखेंगे तो मैं फॉल्स भी लगाया हुआ है, सी साड़ी में फॉल्स भी लगाया हुआ है. द प्राइस ऑफ दिस साड़ी इज $249 पर मुझे अराउंड $256 लगा. अगर मैं इंडियन रूपी में कन्वर्ट कर रही हूं तो अराउंड कितना होगा, आई थिंक सो 17,000 ऐसा होगा. एंड हाँ दिस इज द ब्लाउज पीस, ही ब्लाउज बनाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा. लाइक दिस इज अ वेरी टिपिकल बनारसी, दिस इज कतान सिल्क बनारसी, तो ये बहुत ही एक टिपिकल बंगाली साड़ी है. एंड जब पूजा होता है ना, लाइक दुर्गा पूजा में भी सो मेनी लेडीज वेयर वेयरिंग दिस साड़ी. में एक अच्छा चीज है जैसे मैंने दिखाया है ना फॉल्स पीको,
सब कुछ करके वो लोग भेजते, तो फॉल्स पीको सब कुछ मिला के इट इज $249। तो आप लोग बताना कतानसिल बनारस से ठीक होता, प्राइस ठीक है कि नहीं, क्योंकि बनारसी साड़ी ना मैंने कभी भी नहीं खरीदा। वो शादी में दो बनारसी था, वो तो कभी मैंने पहना ही नहीं, उसके बाद मैंने बनारसी कभी भी नहीं खरीदा। यू नो जब होता है ना, मैं हर वक्त साउथ में रही हूँ ना, तो मेरे पास ज्यादा लाइक सभी साड़ीज आर साउथ सिल्क। से ये ब्लाउज के साथ बहुत अच्छा जाएगा। सी एक मिनट में मैंने ब्लाउज भी बना लिया है। ऐसा करके देखते हैं ना, मुझे लगता है इसका ब्लाउज का मैं स्लीव्स थोड़ा लंबा करूँ तो अच्छा लगेगा, बट दिस ऑल थिंग्स ब्लाउज बनाना अभी सपना है, बट मेनी ऑफ देम एक्चुअली उसको बहुत पता है, तो वो बोल रहे थे ऐसा सब मेजरमेंट करके लाइक अपना ब्लाउज भी भेज दो ना, तो वो लोग ऐसा बना के तुमको भेज देंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। तो मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे मेरे पास लाइक ब्लाउज पीस है। या सी मैं शॉमिक से पूछती हूँ कैसा लग रहा है उनको साड़ी ये। तो चलिए आज वीडियो एंड करते हैं, अभी टाइम हो गया है 8 o'clock एंड हाँ रैक्स का ऑलमोस्ट सोने का टाइम हो गया, लाइक 7:30 से ना इसका ऐसा बहुत ये स्लो हो जाता है। शौमिक कैसा लगा? एंड शौमिक तो बचपन से मुझे बोल रहे हो क्या? नहीं मैं, ओ शौमिक, शौमिक बचपन से ही स्लो है। कैसा लगा शौमिक तुमको साड़ी? स्लो देखा मैं, स्लो देखा शौमिक, अच्छा है ना? हाँ या शौमिक क्यों प्रैक्टिस करेगा वायलिन? शौमिक वायलिन प्रैक्टिस करो चलो। नो अभी रेक्स भी वायलिन करेगा, शौमिक वायलिन प्रैक्टिस करो, इतना बार एलेक्सा बोल रही है। रेक्स तुम मत आओ, ओके डोंट कम बाबा, डोंट कम, ना ना आ गए। तो चलो विद दिस भूतिया टाइप वेदर, वो बहुत ही अंधेरा है, मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। पसंद आया है तो एक लाइक करना एंड डेफिनेटली बताना। अभी मैं नल्ली पे देख रही थी, आई फील साड़ी का प्राइस ज़्यादा है बहुत, आप लोग बताना ना प्राइस ठीक है कि नहीं, कतान सिल्क बनारसी या तो आप लोग बताना। एंड हाँ चलो, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीक डेज, या बाय बाय।